हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों आज मैं करने वाली हूँ एक साड़ी का रिव्यू और इसे मैंने मिंत्रा से परचेज किया था। फाइनली ये रेडी हो गई है और ये जो साड़ी है 6,399 रुपये इसकी एमआरपी है। ग्रीन कलर की है, इंदस ब्रांड से है और आप यहाँ देख सकते हैं इसका टैग। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, 6,399 यानी कि ऑलमोस्ट 6,500 रुपये की है। वाओ, बट ये मुझे सिर्फ 2,500 रुपीज़ की मिली है और आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइनर साड़ी है। इसके साथ में जो मुझे ब्लाउज मिला था वो ब्लाउज पीस, और हाँ साड़ी में टैग भी लगा हुआ आता है, बट क्योंकि मैंने इसे रेडी करने के लिए भेजा था, आई डोंट नो मैंने टैग कहाँ पर इसका रख दिया है, शायद यहीं पर है। एंड इसका बिल भी है, वन मिनट, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। और आपको एक चीज़ बताऊं कि इससे पहले भी मैंने साड़ी इंदस से ली थी, उसका टैग ये है, फाइनली अभी ये भी मिल गया है। सो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इंदस पे, इंदस जो ब्रांड है मिंत्रा पर, ये बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन रखते हैं। ट्रस्ट मी, काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनर पीस मिल जाते हैं। अब बात करती हूँ इसके कलर की, तो ये एक पिस्ता ग्रीन कलर की साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पेस्टल शेड है इसका। लेकिन इस पे जो ये बॉर्डर है, इसको देख करके मतलब मेरा दिल इस पे आई थिंक 6 महीने पहले से था, बट इसका प्राइस ही ड्रॉप नहीं हो रहा था। बट करंटली मैंने देखा कि इसका प्राइस जनवरी के लास्ट से ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था, तो फिर मैंने इसको फाइनली ले लिया। 2,500 रुपीज़ में ये मिली है, काफ़ी अच्छे से ये मैंने रेडी करा ली है। आप देख सकते हो फॉल वगैरह लगी है। इसके ब्लाउज की पहले बात कर लेती हूँ। इसका ब्लाउज बिल्कुल प्लेन सीक्विन कलर का कपड़ा था, जिसको कि मैंने अब रेडी करा लिया है। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर ब्लाउज इसका बना है और इसको बनवाने में मुझे 800 रुपीज़ लगे हैं, क्योंकि इसमें देखिए आप अस्तर भी लगा है कॉटन का और ये थोड़ा सा बोट नेक टाइप में मैंने बनवाया है, क्योंकि सीक्विन का जो ये फैब्रिक है, मतलब जितना मिला था ये कम पड़ रहा था। स्लीव्स मुझे प्रॉपर यहाँ तक चाहिए थी, आई थिंक मैंने 16 या 18 स्लीव्स रखवाई हैं, बहुत ही लंबी जो कि बहुत डिज़ाइनर लगती है। तो उन्होंने बोला जो डिज़ाइनर है, टेलर है, कि ये आप थोड़ा सा स्लीव्स में लगवा लो, बच रहा था, तो उन्होंने इसको और भी ज़्यादा डिज़ाइनर कर दिया। और ये कपड़ा मैं कहाँ से लाई, ये मैंने साड़ी में से कटवा लिया, क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा लंबी थी तो थोड़ा सा ही चाहिए था, तो दोनों स्लीव्स पे देख लो आप मैंने इसको निकलवा लिया। तो मेरा ब्लाउज बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइनर ब्लाउज जो है वो तैयार हो गया है और ये मैंने कुछ इस तरीके से बनवाया है। इसकी लेंथ मैंने काफ़ी ज़्यादा रखवाई है, आई थिंक 19 इंच मैंने इसकी लंबाई रखवाई है, क्योंकि मुझे ना इसको एक अगर स्कर्ट पर भी पहनने का मन करे या फिर किसी जीन्स पर पहन के पिक्चर्स क्लिक कराने का मन करे तो ऑफकोर्स मैं इसे पहन सकूँ। और ये मैंने थोड़ा लूज रखा है और इसमें मैंने साइड वाली चेन, हमेशा मैं साइड चेन वाला ही बनवाती हूं, तो आप यहां देख सकते हो ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, फ्रंट बैक पूरा कवर होता है और खुलने का कोई डर नहीं रहता, कोई चांस नहीं होता है कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम का। सो आई लव इस तरीके के ब्लाउज, तो यस ये मैं इसी तरीके के पैटर्न डिजाइन कराती हूँ। एंड ये काफ़ी अच्छे से उन्होंने सिला है और इसमें इंटरलॉक वगैरह प्रॉपर हुई हुई है। सो आई नो कुछ लोगों को इसका प्राइस जो है वो सिलाई जो 800 रुपीज़ है वो ज़्यादा लग सकती है, बट मुझे ये ऑन टाइम मिल जाता है। लाइक मैं जिस दिन देती हूँ उसके तीसरे दिन मुझे ये मिल जाता है, तो समटाइम्स मुझे नेक्स्ट डे भी मिल जाता है, तो बहुत ही बढ़िया सर्विस होने की वजह से मैं फिर कुछ कहती भी नहीं हूँ। और मतलब हॉस्टल टाइम से साल दर साल मैं वहीं पर मोस्टली जा रही हूँ, इस वजह से भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे वो बुटीक। सो यस दोस्तों ये आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया खूबसूरत डिज़ाइन, लेकिन कलर थोड़ा सा डल है। ये हर एक स्किन टोन पे जाने वाला, कॉम्प्लेक्शन पे जाने वाला कलर तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मन की बात होती है। अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल पहन सकते हो, मतलब कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि कौन कौन कलर पहनेगा, जिसका जो मन आए वो कलर पहनना चाहिए। अब बात करती हूँ दोस्तों मैं साड़ी की, तो देखिए साड़ी पूरी बीच में प्लेन है, सिर्फ इस पे बॉर्डर का कमाल है, बॉर्डर जो है इसका बहुत ही धमाकेदार है कह लीजिए। तो पल्लू से शुरू कर लेते हैं, पल्लू कुछ इस तरीके का है एंड मैं अभी आपको पहन करके भी दिखाऊंगी, साइड में दिखा ही रही हूँ शायद, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए पल्लू, ठीक है,
पल्लू आप देख सकते हैं, प्रॉपर इसकी लंबाई चौड़ाई है, मतलब बहुत ही खूबसूरत। सबसे पहले मैं पल्लू दिखाने वाली थी, हाँ तो ये देख सकते हैं आप, पल्लू की जो लंबाई चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है। और इसमें ये जो मल्टी कलर का शेड आ रहा है सीक्वेन में, ये बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको सीक्वेन पास से भी दिखाऊंगी। तो यहाँ से प्लेट्स शुरू होती हैं और इस पर मैंने अभी कुछ गिरा लिया है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट कोई बात नहीं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ से प्लेन है। एंड उसके बाद मैं आपको अगर बॉर्डर दिखाऊं तो ये देखिए, मैंने थोड़ी सी इतना ही बस थोड़ा सा कटवाया था और उसमें प्रॉपर स्लीव्स जो है वो निकल गई थी। अच्छे से इसका बॉर्डर जो है वो प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, बट ये मतलब दिन के समय मैं एक बात कहूँ दोस्तों, ये जो कलर है ना, ये थोड़ा आपको डल डल सा लग सकता है, लेकिन ये ऐसा डिफरेंट कलर है कि इसको पहनने के लिए डेयर होना चाहिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग सा कलर है। और ये इसका सीक्वेन वर्क है, आप एक मिनट पास से देखिएगा ज़रा, ये देखिए ये इसका काम है दोस्तों, ठीक है, ये काम है इसका। तो इसमें लेवेंडर, ब्लू, ग्रीन, पिंक, पर्पल एंड इसी के शेड्स हैं। ऑल राइट, तो बड़े ही ट्रेंडिंग से शेड है इस सीक्वेंट में एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो ये जो साड़ी है, इफ़ अगर आप लेने का सोच रहे हो तो कुछ ना सोचो, तो ये ब्लाउज सोच करके ले सकते हो। इसका फैब्रिक और इसका ये जो सीक्वेंट वर्क है, ये बिल्कुल निकलेगा नहीं। ये बहुत ही अच्छे से इसमें सिला हुआ है, डबल सिलाई के साथ में, एंड सितारे भी बहुत ही पतले हैं, छोटे हैं, जिस वजह से इसका लुक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो मिंत्रा से मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ ली हैं, जिनको भी आप ले सकते हो और जिनके रिव्यू मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर में किसी की शादी है और परचेज़ करनी है अच्छी साड़ी, तो मेरे चैनल पर जा करके आप चेक कर सकते हो। देखिए प्रॉपर वाला जो इसका कलर है, ये ब्लिंगी सा लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड कपड़ा जो है ये जॉर्जेट का है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा वाला फैब्रिक है। लाइक इसका जो प्राइस है ना, उसकी वर्थ है। और अगर ये इतने कम प्राइस में मिल रही है, और कुछ लोगों को तो ये बहुत अच्छी डील में हो सकता है, 2000 रुपये से भी कम में पड़ी हो, क्योंकि जब एंड ऑफ सीजन या उस तरीके की सेल चलती है तब मैंने इसको परचेज नहीं किया था। तो आप अपने लिए जो है उस समय पे इसको परचेज कर सकते हो। तो यस दोस्तों, ये शेड जो है बहुत खूबसूरत है, साड़ी भी अच्छी है। बस ये है कि अगर आप ये बहुत ही मतलब येलो, रेड, पिंक वाला शेड, ऐसा वाला कोई शेड नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। तो इसको अगर आप पहनना चाहते हो किसी पार्टी फंक्शन में, या फिर अपने लिए यूं ही लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ये कलर ले सकते हो। ये अच्छा वाला पेस्टल ग्रीन कलर है, या फिर कह सकते हैं इलायची वाला रंग है, ये बहुत ही अच्छा। बट हाँ, ये थोड़ा डार्क डार्क सा है, आप देख लो दूर से, ये ऐसा लगेगा। और पहन करके तो मैं आपको क्लियरली दिखाई चुकी हूँ कि ये कैसा लगेगा दोस्तों। सो आप देख लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो कर लेना और आप बताना ज़रूर कि आपको ये चीज़ कैसी लगी जो मैंने इसको सिलवाया है। और अगर आपको भी सिलवाना है तो आप ऐसे ही करवाना, जिससे कि आपको स्लीव्स भी डिज़ाइनर मिल जाए और ब्लाउज भी बहुत ही मल्टीपल वे में यूज़ हो सके। सो ये सही रहता है। थैंक यू एंड बाय। और परचेज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कर लीजिएगा। उसके साथ ही बहुत सारे और भी लिंक हैं, उन्हें भी चेक कर लेना दोस्तों।